हेलो एवरीवन एंड जय हिंद टू वर्ल्ड कैसे हैं आप सभी डी स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन इट इज वर्ब वर्ब एक इंग्लिश का ऐसा टॉपिक है जिसे कहा जाता है इट्स अ सोल ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट क्यों क्योंकि वर्ब ही तो ऐसा टॉपिक है जिसपे आप सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करते हो जब वर्ब ही नहीं होगी तो फिर आपका सेंटेंस बहुत ही इंडेफिनेट हो जाएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा तो वर्ब आप सभी को पता होगा बहुत सारे टाइप्स की होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज मॉडल ऑक्सिलरीज मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब इनफाइनाइट वर्ब ट्रांजिटिव एंड ट्रांजेटिव हम सारी चीज़ें डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी को पता है हम लोग इन सेशन में क्या कर रहे हैं प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए जो क्वेश्चन है हर टॉपिक के उसको डिस्कस कर रहे हैं तो सेम इस टॉपिक के साथ भी हम वही करने वाले हैं प्रीवियस एग्जाम में चाहे वो एस की एग्जाम हो बैंकिंग की एग्जाम हो डिफेंस सेक्टर की कोई भी एग्जाम हो उन सबके लिए आपका ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है हम आज वर्ब से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में उनको डिस्कस करेंगे तो आप सभी लोग सेशन को आखिरी तक जरूर देखना काफी सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी और अगर सीखने को नहीं भी मिला तो कुछ ना कुछ अच्छा पार्ट आपका रिवाइज हो जाएगा जो कहीं ना कहीं छूट रहा होगा ठीक है तो सेशन स्टार्ट कर लेते हैं उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी हमारा क्रेजी जी के ट्रिक की तरफ से एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें आपको सी एच एस एल के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे मॉक टेस्ट टोटल ट्वेंटी फाइव रहेंगे इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी नाइन रुपीज है आपको ट्वेंटी फाइव मार्क् टेस्ट मिल जाएंगे हार्डली वन रुपीज का टेस्ट वाला है। तो आप इस सी एच एस एल के मॉक टेस्ट को जरूर attempt करके देखना बहुत ही अच्छा आपका इम्प्रूवमेंट होगा ठीक है अब हम लोग क्या करने वाले वर्ब के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगेन सेम जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं स्पॉटिंग एरर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड फिलअप तो सबसे पहले स्पॉर्टिंग एयर के आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएंगे वन बाय वन आप लोग क्वेश्चन को बनाते जाइएगा ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है बनाओ इसे फटाफट से लिखा है ही इज अबी एंड डेयर आप सभी को पता होगा डेयर और नीड ये क्या होती है आप लोगों की इसको आप मॉडल देखो मैं तो लिख देती हूँ डेयर और नीड ये दोनों ऐसी वर्ब है जिन्हें आप मॉडल ऑक्सिलरी की तरह भी यूज कर सकते हो मॉडल ऑक्सिलरी की तरह भी यूज कर सकते हो और मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पे क्या बोला गया है वो एटी के अब है एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस यहाँ पे डेयर को हम मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे जब भी आप डेयर को मेन वर्ब की तरह यूज करते हो तो उसमें आप एस नहीं लगाते हो ठीक है तो आपका पार्ट बी में एरर मार्क करना था करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही इज अब एटी एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया आगे बढ़ो लिखा है मैनेजर राहुल नॉट टू टू गो मुंबई फॉर द न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोला कि राहुल डज नॉट वॉन्ट अब आप सभी को पता होगा कि जब भी आप नॉट या डू नॉट लिखते हैं इन दोनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है भाई आप जितने भी स्टूडेंट इन सेशंस को देख रहे हैं ना मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप लोग डिटेल वाली क्लासेस ऑलरेडी देख चुके हैं अगर मैं वर्ब के क्वेश्चन करा रही हूँ तो मैं मान के चल रही हूँ आपका वर्ब वाला टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा आप अभी यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो क्योंकि वर्ब खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है अगर एक एक चीज में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी ना तो फिर कम से कम चार से पांच घंटे हो जाएंगे वर्ब पढ़ाने में तो वो आपको आपको नहीं करना है अगर आपको सारी चीज़ डिटेल में पढ़नी है ना तो फिर आप हमारा कोर्स परचेस कीजिए जो इंग्लिश फाउंडेशन वाला है उसमें मैंने आपको सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ा रखे हैं ओके तो यहाँ पे हम फटाफट से आंसर्स देखते जाएंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट हो जाए रिवाइज हो जाए तो आपका पार्ट बी में एरर था आपको यहाँ पे वांट्स नहीं करना था वांट करना था बाकी कोई भी पार्ट में एरर नहीं है पूरा सेंटेंस करेक्ट है लिखा है आइंस्टीनस स्कूल टीचर्स थॉट ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ आप सभी ने पढ़ा सुना होगा पता होगा कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे ना वो स्कूल टाइम में बहुत भोंदू बच्चे थे उनकी टीचर्स वगैरह उनको बहुत ही नालायक बच्चा मानती थी समझती थी ये तो भोंदू है को जीवन में कर ही नहीं पाएगा आई नो तो यहां पे लिखा है वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ

कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग खुद से लिखा है द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई कांट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे जो प्रोजेक्ट है वो टफ है इसलिए मैं उसको मंडे तक पूरा नहीं कर सकता हूँ आप लोगों ने जब मॉडल्स पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कांट बी ई कैन नॉट डू दिस वर्क आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क दोनों का मतलब सेम होता है इधर लिख देती हूँ आई कैन नॉट डू दिस या फिर आई एम नॉट एबल टू डू दिस इन दोनों चीजों का मतलब भाई क्या होता है? सेम होता है? है। तो 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 आप आप कर 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 लो, या तो फिर आप not able to use कर लो। फिर अब इन्होंने पे दोनों कर ली। sentence बन गया आपका तो पार्ट बी में करना था, be able को हटा दो कंप्लीट इट बाय बाकी आपका sentence पूरा करेक्ट है द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई कांट कंप्लीट इट दैट्स इट उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो कि अगर आ रहे तो सभी लोग कॉमेंट में मुझे के जरूर बताएंगे ठीक है क्वेश्चन का लेवल आप लोग को समझ में आ रहा है तो भी न्यू ऑफ टीचिंग यंग चिल्ड्रन सा रूल जिस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या है कि जब भी आप टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो और दूसरा कंसेप्ट इसी को ही आगे बढ़ाता है टू के साथ बी हो तो उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं स्टूडेंट ये दो चीजें मार्क करके रख लेना कहीं भी लिख लेना इस एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं है ना तो यहाँ पर आपका टू बी था टू बी वर्ब था इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी थी जो कि होगी एडोप्टेड क्या होगी एडोप्टेड तो पार्ट सी में एरर था एडोप्टिंग काट के आपको क्या करना था एडोप्टेड

लिखा है पीपल पीपल होता है प्लूरल तो जब प्लूरल होता है तो भैया तुम has क्यों use, use कर रहे हो पे आपको have use करना रहेगा के बाद की थर्ड फॉर्म यूज होती है have been, होगा third form होगा तो करेक्ट आंसर वॉन्ट ठीक है वेन आई वॉज एट स्कूल आई फाउंड माई क्लास टीचर टू बी द बेस्ट मेंटर एज शी ऑलवेज हैव टाइम टू लिसन एंड गाइड जब मैं स्कूल में था तब मेरी टीचर जो थी वो बेस्ट मेंटर थी क्यों क्योंकि उनके पास हमेशा समय होता था मुझे सुने और क्या करें गाइड करें ठीक है अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है क्या सेम ही वर्व फॉलो क्या सेम ही टेंस फॉलो हो रहा है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है वैन आई वॉज़ एट स्कूल मैं जब स्कूल में था दैट मीन्स पास्ट की बात चल रही है वैन आई वॉज एट स्कूल दैट मीन्स पास्ट की बात चल रही है आई फाउंड ये भी पास्ट की वर्ब होगी दैट मींस ये करेक्ट है आई फाउंड माय क्लास टीचर टू बी द बेस्ट मेंटर एज़ शी ऑलवेज हैव अब यहाँ पे वर्ब इन्होंने यूज कर ली प्रेजेंट की जो कि गलत है हमें इसको काट के पास्ट में यूज करना था पास्ट की वर्ब क्या होगी हैड तो ऑप्शन सी मेरा था आपको मेंटर एज़ शी ऑलवेज हैड टाइम टू लिसन एंड गाइड आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में है ना तो याद रखना है आपको क्या करनी हो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो आपकी सेंटेंस का टेंस है वही आगे कंटिन्यू होना चाहिए ऐसा नहीं कि पहले आपने पास टेंस यूज कर लिया और फिर आगे, आगे आप प्रेजेंट टेंस यूज करने लग रहे हो वो चीज़ आपको नहीं करनी है आई मै क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है, उसने कुछ बनाई मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए है ना माई टेलर इज मेड इज मेड होगा क्या बिल्कुल भी नहीं has made. क्या होगा? Has made. पे आप कौन सा टेंस यूज कर रहे हो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोग यूज कर रहे हो प्रेजेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज आपकी थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट ठीक है तो ये आपका स्ट्रक्चर था आपको इसको काट के क्या करना था हेस करना था द सुपरवाइजर वॉन्टेड टू नोन द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द इशू

चल आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ देखते हैं इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मैनी पीपल गेट एडिक्टेड टू ड्रिंक नाउ डेज ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक से क्या हो जाते हैं एडिक्टेड हो जाते हैं आप लोगों ने अगर अच्छे से वर्ब वाला टॉपिक पढ़ा है तो कुछ फ्रेज़ेस होती है जैसे यूज टू एक्स्टम टू एडिक्टेड टू विथ अ व्यू टू ओइंग टू

रन फास्ट ले फ्लाइट अब ये आप लोगों का क्वेश्चन में बोलूँ तो कंजंक्शन बेस्ड भी हो गया है ना आप सभी को पता है कि जब भी आप यूज़ करते हो तो उसके पेयर में हमेशा शुड आता है ना कि दूसरा कोई मॉडल ऑक्सिलरी ठीक है तो आपको यहाँ पे कौन से पार्टमार्क करना था बी में विल को काट के आपको यहाँ पे किसका यूज करना था शिड का यूज करना था ठीक है जी चलिए आगे बढ़ जाते हैं

हेल्पिंग वो आपको पहले रख देते फिर सब्जेक्ट होता है एंड देन आपका ऑब्जेक्ट होता है अब वही चीज यहाँ पर फॉलो की गई है यहाँ पे लिखा है आई कुडेंट हियर वॉट वॉज शी सिंग यहाँ पे जो आपका सेंटेंस जाना चाहिए ना वो अजिवाना चाहिए था ना कि इंट्रोगेटिव इन्होंने इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया जो की गलत है तो आपको इसको करेक्ट करके क्या करना है आई कुडेंट हियर वॉट शी वॉज सिंग ठीक है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्क मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट ठीक है इंट्रोगेटिव आपको फॉलो नहीं करना था इधर आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए था अजेटिव तो हमको वर्स को काट के उठा के शी के बाद रखना है बाकी सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है नेक्स्ट है इन टू कंसिडरेशन ऑफ द एडवाइस ऑफ फ्रेंड्स ही डिसाइडेड टू स्टे हियर उसने अपनी फ्रेंड्स की एडवाइस सुन के ये माना कि मुझे यहाँ पे रहना चाहिए ये डिसाइड किया उसने ठीक है अब एक फ्रेज है टेकन इंटू कंसिडरेशन इसके बाद आप कोई प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते हो ये ऑल दो प्रेपोजिशन रिलेटेड एरर आ गई है बट ठीक है कोई बात नहीं टेकअन इं टू कंसिडरेशन द एडवाइस ऑफ इस फ्रेंड्स ही डिसाइडेड टू स्टे हेयर तो आपका यहाँ पे कौन से ऑप्शन में एरर था ऑप्शन नंबर ए में आपको ऑफ को यहाँ से क्या कर देना कर देना था एलिमिनेट कर देना था ठीक है जी चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन he went inside the burning house even though i advised him to not go वो जलते हुए घर के अंदर गया मैंने उसे बोला था फिर भी ठीक है अब देखो he went inside the burning house यहां तक क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है even though i advised him to not go to not go नहीं होगा advise him not to go होगा ठीक है क्योंकि टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं टू को उठा के आपको यहाँ पे रख देना था एडवाइज हिम नॉट टू गो अच्छा क्वेश्चन था पढ़ने में तो हमको लगा बिल्कुल करेक्ट है कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है लेकिन यहाँ हिम नॉट टू गो यू शुड हैव रिपोर्ट द मैटर टू योर टीचर इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट इन योर ओन हैंड्स आपको इस बात को टीचर को बता देना था बजाय कि आप खुद से इसे सॉल्व करने लग जाओ You should have, आपको कर देना चाहिए था शुड की कौन सी फॉर्म आती, आती है तो यहाँ पे रिपोर्ट्स नहीं होगा क्या होगा रिपोर्टेड होगा आप सभी लोग मुझे ईमानदारी से बताओ खुद से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं कि सारे क्वेश्चन आप चेक कर ले रहे हो मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट को देख ले रहे हो उसके बाद खुद कर रहे हो अपने साथ अगर ऐसा कर रहे हो तो डिसऑनेस्टी कर रहे हो भैया एटलीस्ट खुद के साथ तो ईमानदार रहो ना मैं बोल रही हूँ सभी लोगों को सारे क्वेश्चन की पहले खुद से प्रैक्टिस करो उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि अगर मैंने वर्ब टॉपिक पढ़ रखा है तो उसके कितने क्वेश्चन में करेक्ट कर पा रहा हूँ और ये जितने क्वेश्चन मैं आपको इन क्लासेस में करा रही हूँ ना इट इज वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन इस पे बेस्ड आपको जरूर को क्वेश्चन मिलेंगे आगे आने वाली एग्जाम में तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इन वीडियो को बहुत सीरियस लो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ इट इज पॉसिबल वेस्ट मटेरियल को हमें रिसाइकल करना चाहिए है ना अब आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले हमने कि बी के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म आती है तो रिसाइकल नहीं इट शुड बी रिसाइकल्ड क्या होगा रिसाइकल्ड होगा अ टोटल ऑफ थ्री हंड्रेड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स वुड बींग अवारेड द नरेंद्र मोदी स्कॉलरशिप टोटल तीन सौ इकोनॉमिक बैकवर्ड बच्चों को नरेंद्र मोदी स्कॉलरशिप दी जाएगी वुड नहीं वुड बी वो आपकी थर्ड फॉर्म है पे हमें नहीं चाहिए था दिया जाएगा वुड बी अवॉर्डेड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशंस अच्छा क्वेश्चन है इन रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स नहीं होगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही एरर था आपको रिस्पॉन्स नहीं यहाँ पे वर्ब यूज करना था जो कि होगी रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट साइजेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशंस ठीक है सभी को आ रहा है समझ में क्वेश्चन ट्वेंटी फर्स्ट देखो airlines have increased fares because according to the new rules only limiting passengers are allowed economy ne apne fares increase kar di kyunki new rules ke according ab sirf limited passengers ko hi allow kiya jayega na ki limiting passengers आपको यहाँ पे limiting use नहीं करना था limiting verb हो गई हमें passenger ये noun है इस noun के लिए हमें आगे क्या चाहिए था adjective चाहिए था और adjective आपका limiting नहीं होगा आपका adjective क्या होगा limited. क्या होगा भैया लिमिटेड होगा पार्ट सी में एर मार्क करना था आपको उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट हम लोग देख रहे हैं ठीक है स्पॉटिंग एरर डिस्कस कर लिए है अब हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखेंगे मुझे लगता है स्पॉटिंग एरर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है करना हाँ क्योंकि उसमें हमको हर पार्ट को अच्छे से चेक करना होता है कहाँ पे एरर है कहाँ पे नहीं है लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो वो लोग हमको बस मार्क करके दे देते दे अंडरलाइन कर देते और हमको उसको चेक करना होता है ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं तो ये

शी ब्लू आउट द कैंडल एंड गु स्लिप अप ग टू स्लिप ब्लू वर्प की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास टेंस जब यहाँ पे सिंपल पास यूज हो रहा है तो बट ऑब यहाँ पे सिंपल पास होना चाहिए बट इन्हों ने तो थर्ड फॉर्म यूज कर लिया है गो वेंट गॉन इतना तो पता ही होगा वह अब फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हमें यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करनी थी तो वेंट लिखा हुआ है शी ब्लू आउट द कैंडल एंड वेंट टू स्लिप टू के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है ठीक है ये नहीं होगा Do a foreigner Mother Teresa settle in Kolkata and made it her home? भले ही वो फॉरेनर थी but Mother Teresa कहाँ पे सेटल हुई थी कलकत्ता में और उन्होंने उसको अपना घर बना लिया था है ना तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो पास्ट टेंस की हो रही है पास्ट में बताया जा रहा है ना कि भैया Mother Teresa थी foreigner थी उसने अपना घर बना लिया था है ना तो यहाँ पे पहली बात सेटल तो यूज होगा नहीं क्योंकि ये तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई हमें बात करनी है पास्ट टेंस की तो सेटल्ड इन कलकत्ता होगा क्या होगा स्टूडेंट्स सेटल्ड इन कलकत्ता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उससे पहले जरा हम आपको बता दें अगर कोई ऐसा बच्चा है जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दें हम हमारा इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स है जो कि आपको मिल जाएगा कहाँ पे रूट एप्लीकेशन पे और इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगी इस कोर्स के फीचर्स क्या है वो मैं आपको बता दूँ मैं खुद एस एस सी सी जी एल्स एच एस एल सेलेक्टेड हूँ और पिछले चार साल से मैंने इंग्लिश पढ़ाया है तो इस बैच में मैंने आपको वो सारी चीज़ों पर ऑन करवाया जहाँ पर स्टूडेंट्स को मेजरली प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं खुद भी एक टाइम पर स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे पता है कि कैसे चीज़ों को सिम्प्लीफाइड वे में बताना है ताकि हिंदी मीडियम का भी अगर कोई स्टूडेंट हो ना उसको कोई इशू ना हो पढ़ने में तो मैंने इन क्लासेस को उसी तरीके से रखा है बहुत ही सिंपल वे में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करी है

तो भाई हमने आप लोगों को पी डी एफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं इन नोट्स की मदद से आप लोग डायरेक्टली एग्जाम के पहले रिविजन भी कर सकते हो खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है और हर टॉपिक के बाद आपको मॉक टेस्ट भी गिवन है दैट मीन्स सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी अभी जो प्राइस चल रहा है इस कोर्स का वो मात्र 99 नाइन चल रहा है सिर्फ नाइन्टी नाइन रुपीज़ बहुत ही कम टाइम के लिए हमने इस ऑफर को ओपन रखा है अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक इंग्लिश नहीं डिटेल में पढ़ रखी है तो आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज़ आप एक बार अपने आप को जरूर इनरोल कराओ नाइन्टी नाइन में आज की डेट में कुछ भी नहीं मिलेगा और आपको यहाँ पूरा का पूरा इंग्लिश का कोर्स मिल रहा है ठीक है जी चलो आगे बढ़ते हैं और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको वोबलरी में प्रॉब्लम है जो को होती है तो वो हमारी e कर सकता है वो भी सिर्फ ट्वेंटी ग्रेट डील ड्यूरिंग द टू डेज आई स्पेंट इन इंग्लैंड मैंने पहले कर लिया है कि आई कुड लर्न आई कुड लर्न अब देखो यहाँ पे बात हो रही पास की तो कैन का होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कुड के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म उसमें भी कोई दिक्कत नहीं नहीं है आपका यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट अ ग्रेट डील आई इन इंग्लैंड आपका सेंटेंस करेक्ट था ठीक है इंडियन टीम विन द सीरीज एंड एवर पुलिंग ऑफ अ ड्रॉ कुड बी टफ मेन बॉलर्स नॉट प्लेइंग

आप सभी को बताया मैंने दस बार कि मॉडल के साथ हम हमेशा वो की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो एक्सेप्टेड नहीं होगा एक्सेप्ट होगा ही फील्स दैट आई कैन नॉट इमेजिन स्पेस स्टेशन वुड बी लुक्ड लाइक वुड बी लुक्ड लाइक नहीं अ स्टे वॉट अ स्पेस स्टेशन वुड लुक लाइक आपका होगा करेक्ट आंसर इन अ ग्रुप यू मे फाउंड वन और टू पीपल में अगेन आ गया आपका क्या मॉडल ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मे फाइंड वन और टू पीपल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्पाइट द अलार्मिंग रिपोर्ट्स ऑफ अर्थ ट्रीमर्स नियर बाय द वर्कर्स लाइट द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग अब ये क्वेश्चन ना बहुत ही बढ़िया है ठीक है अब यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है देखो स्टूडेंट्स ना जनरली कंफ्यूज होते हैं दो वर्ब्स में एक कौन सी है ले और एक है ले देखो ये तीनों कैटेगरी की वर्ब्स में आपको डिस्क्राइब कर दे रही हूं ठीक है देखो पहले मैं लिख लेती हूं फिर मैं आपको बताती हूं देखो, लाए दूसरा है लाए और तीसरा है ले ठीक है ये तीन वर्ब्स होती है अब इनकी मैं आपको पास्ट वर्ब भी बता रही हूं सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी बता रही हूँ ठीक है लाए लाए का मतलब होता है झूठ बोलना तो इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा लाई लाइट लाइट क्या मतलब होता है इसका झूठ बोलना जो आप बहुत बार बोल देते होगे शायद नहीं बोलते हो तो अच्छी बात है ठीक है दूसरा है क्या लाए ले और लें इस वाली वर्ब का मतलब होता है कि कहीं पर क्या करना लेट जाना है ना जैसे कमर दुखती है तो हम लोग क्या करते लेट जाते रात को थक जाते तो क्या करते सो जाते लेट जाते तो लाए ले लेन ये आपके फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म इसका मतलब क्या होता है लेटना अब तीसरी एल ए वाई ले इस ले का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है लेड और लेट ये होता है वो जो मुर्गी देती है ना अंडे ये उसके लिए यूज किया जाता है और जब आप किसी चीज को सेक्रीफाइस कर देते हो ना तब भी यूज करते हो तीसरा जब कोई चीज आप रखते हो में में जब आप में कोई चीज रखते हो तब तब भी आप कौन सी वर्ब यूज करते हो एल एवाई ले यूज करते हो ठीक है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है एग्जाम में ठीक है तो इसलिए आपको मैंने लिख के बता दी तीनों यहाँ पे अब यहाँ पे कहा गया है कि अर्थ ट्रमर्स के आने के बावजूद भी वहां पे क्या किया लोगों ने भैया

प्लूरल people, people उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है द साइक्लोन है सिंगुलर है तो हैज यूज होगा अब हैज के बाद वह आपकी थर्ड फॉर्म होगी तो करेक्ट आंसर क्या होगा साइक्लोन हैजेंट फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक आपको अभी बताया था will be. Will be के आपकी थर्ड फॉर्म होती है तो विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक होगा ऑन द टेबल जो बुक्स टेबल पर पड़ी थी है ना तो पड़ी थी एडजेक्टिव चाहिए तो करेक्ट होगा द बुक्स लाइंग ऑन द टेबल क्या होगा द बुक्स लाइंग ऑन द टेबल द टू ट्रेन गेव द एल्यूजन ऑफ being stationary the two trains gave the illusion of being stationary un train ko dekh ke humko laga wo train kaisi hai ruki hui hai kya hai bhaiya thami hui hai use hum kehte being stationary he wondered what was the reason for her refusal to accompany him अब यहाँ पर कहीं क्वेश्चन मार्क तो लिखा हुआ नहीं है जब क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इन्होंने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्यों फॉलो कर लिया है हमें यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए था

तो आप वहां पे मॉडल वर्ब क्या यूज करते हो would. तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा है ना का कर कर रहे हो आप किसी को कि आपको पेंसिल बट द लीड ब्रोकन लीड ब्रोकन नहीं बट द लीड ब्रोक ये तो आपकी थर्ड फॉर्म हो गई ना हमको सेंटेंस था सिंपल टेंस सिंपल पास टेंस था वो आपकी सेकंड फॉर्म यूज करनी थी Break, broke, तो ये वो आपकी है. तो आपका no चीज मैं आपको एडवर्ब में भी समझा चुकी हूँ कि जब भी नो सुनर सेंटेंस की स्टार्टिंग में होता है तो आगे इन्वर्जन चलता है अब इन्वर्जन तो चल रहा है करेक्ट तो डिड के बाद आप सभी को पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते ना कि थर्ड फॉर्म तो डिड शी शाउटेड नहीं क्या होगा डिट शी शाउट क्या होगा डिट शी शाउट नो सुनर डिड वी अगेन सेम क्वेश्चन नो सूनर डिड वी अराइव एट ठीक है एट द एयरपोर्ट देन वी गो आउट ऑन टू और फ्लाइट टू एटलांटा इजी क्वेश्चन है तभी थोड़ा सा स्पीड फास्ट है स्टिल आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग प्लीज कॉमेंट में मुझसे पूछ लेना मैं आपको बता दूंगी ठीक है एज सून एज द सुपर मून है हिल द वैली वॉज फ्लडेड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता देती हूँ देखो अगेन दो वर्ब आप लोगों की होती है एक होती है, एक होती है रेस. का मतलब होता है उगना जैसा बोलते सन राइजेज इन दस्ट तो इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है राइस रोज राइज रेस रेस्ड और रेस्ड जब आपसे क्लास में मैडम कोई क्वेश्चन पूछती है तो आप हाथ रेस करते हो, है ना? तो ये वही है, हाथ उठाना. या किसी पे, पे चीज तो के प्राइस बढ़ते हैं है, बढ़ना के कॉन्टेक्स्ट में सन उगता है तो उगना के कॉन्टेक्स्ट में तब हम इसे यूज करते हैं तो यहाँ पे सुपर मून के उगने की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको राइजन यूज करना था क्या यूज करना था राइजन तो पार्ट सी आपका करेक्ट है सुपर मून हेड राइजन आपको करना था बाकी आपका सेंटेंस करेक्ट है शी वॉन्टेड wanted... पढ़ने में ही गलत है भैया शी वॉन्टेड टू टेल यू क्या होगा शी वॉन्टेड टू टेल यू होगा इजी क्वेश्चन था यह अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे भाई कार ड्राइवर जम्प्ट द ट्रैफिक लाइट एंड डैश फॉर वायोलेटिंग द ट्रैफिक रूल सेंटेंस चला है पास्ट का दाइवर जम्प द ट्रैफिक लाइट एंड स्ट्रक्चर चल रहा है ना उसपे ट्रैफिक रूल वायोलेट करने के लिए चार्ज किया गया तो वॉस फाइंड करेक्ट आंसर होगा द मैन यूज टू गो टू पार्क एंड यूज टू गो बात हो रही पास्ट की तो करेक्ट आंसर आपका होगा

अब अगेन आपको पता है यहाँ पे वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए वो आपकी फर्स्ट फॉर्म कहाँ दिख रही हैं आप नो सूनर डिड द डिडी प्ले एंड देन द ऑडियंस burst into applause since he was not well yesterday वो कल बीमार था तो वो ऑफिस अटेंड नहीं कर पाया अब कैन और एबल साथ में यूज नहीं कर सकते हो तो करेक्ट क्या होगा सिंस ही वाज नॉट वेल यस्टरडे ही वाज नॉट एबल टू अटेंड द क्लासेस ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा करेक्ट होगा के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है बहुत बार रिपीट हो गया अभी चीज है ना। रेनी डे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं बार एग्जाम में पूछा गया डैश नॉट फीट लाइक गोइंग आउट और डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट रूम पर आपका करेक्ट आंसर होगा इट बींग रेनी डे होने के कारण it being क्यों है वो सारी चीजें डिटेल में में मैंने आपको वर्ब वाली क्लास डिस्क्राइब कर रखी है ठीक है तो आपको बार बार यू कैन डैश कैन के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए कहाँ पे दिख रही है ऑप्शन ए में यू कैन लर्न स्विमिंग द अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द रूल्स विच डैश द बैंक्स कमेटी ने रूल बनाया है ऐसे चेंजेस किए हैं ताकि हेल्प करेंगे वो तो विच विल हेल्प विल के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म विच विल हेल्प द दिस बुक में नॉट बी प्रिंटेड इन होल पार्ट और इन एनी पार्ट इन एनी फॉर्म विदाउट द रिटर्न परमिशन ऑफ द परमिशन पब्लिशर दिस बुक में नॉट बी प्रिंटेड में नॉट बी

तो आंसर करेक्ट क्या होगा इज मेड है वो बढ़ गया है बढ़ गया है। आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि बढ़ने के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग राइज रोज राइजन यूज करते हो तो सिंगलर है तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए है करा है राइजन होगा पाम ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल एंड

सो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स टोटल क्वेश्चन हमने डिस्कस करे आप लोग मुझे बताना क्या स्कोर रहा सेशन में कुछ भी डाउट या इशू है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं सेशन सभी लोग लाइक करके जाना वो कैबलरी की ई e बुक बता दिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है उसके अलावा अगर आपको टारगेट बैच चाहिए हमारा सी जी एल सी एच एस एल एम टी एस सी पी ओ जी डी के लिए तो आपको हमारा टारगेट बैच भी मिल जाएगा इसका प्राइस सिर्फ सेवन डबल नाइन है सेवन डबल नाइन में आपको चारों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मॉक टेस्ट लाइव क्लासेस सारी चीजें आपको इसमें प्रोवाइडेड है सो so, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और सेशन को सभी लोग प्लीज लाइक कर लेना नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल